राधे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है उसके लिए। और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे उपाय जो आप माँ बनने वाली है या माँ बनना चाहती है, दोनों में ही उपयोगी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। असल में जब भी कोई औरत माँ बनती है या माँ बनना चाहती है तो उन्हें पुण्य इकट्ठा करने के लिए कहा जाता है। आपने देखा होगा, अधिकतर हर प्रेग्नेंट औरत गाय को रोटी देती है, कुत्तों को रोटी देती है। ये दो काम वो ज़रूर करती हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और आप माँ बनने वाले हो तो आपको ये काम ज़रूर करने चाहिए। गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को गोवंशों को चारा देना चाहिए। आप अपनी सुरक्षा करते हुए भी ये सब कर सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको गायों के झुंड के बीच में जाना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि जो औरतें माँ बनना चाहती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गौ माता की सेवा करें। सुबह एक बार आप कुत्ते को रोटी ज़रूर दें और गौ माता की सेवा ज़रूर करें। जब आप उनसे रोटी देंगे, उनकी सेवा करेंगे, गौवंशों की सेवा करेंगे, तो आप धीरे धीरे उनसे प्रेम करने लगेंगे। और आप जीवों से जितना ज़्यादा प्रेम करेंगे, भगवान भोलेनाथ आपसे उतना ही ज़्यादा प्रेम करेंगे। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने तो स्वयं ही कहा है कि मुझे सभी जीव प्रिय है। इनकी सेवा करने का अर्थ है कि आप मेरी सेवा कर रहे हो। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 जीवों की सेवा ज़रूर करें, इनसे प्यार करें, कुत्ते को रोटी ज़रूर दें। पहले के टाइम में कहा जाता था अक्सर, मेरी पड़ दादी या पड़ नानी, मैं कहूँ कि मेरी मम्मी की दादी, उनसे कहा करती थी। और आज ये बात मुझे मम्मी कहा करती है कि जो कुत्ते होते हैं ये बिना झोली के साधु होते हैं, ये अपने पास कुछ इकट्ठा नहीं करते, आप इनको कुछ दोगे ये उसी समय खा लेंगे। और भूख कैसी होती है ये तो आप सब जानते ही हो। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आखिरी रोटी कुत्ते के लिए और पहली रोटी गाय के लिए ज़रूर निकाला कीजिए। इससे धन की बढ़ोतरी होती है, घर में लक्ष्मी भी आती है, साथ में आपके पुण्य भी इकट्ठे होते हैं। अगर आपके कोई दोष लगा हुआ है जिस वजह से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो दोष भी धीरे धीरे हट जाता है। ऊपर से भगवान की कृपा भी आप पर बनी रहती है, ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है। और तो और, अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग घर आते ही कुत्ते को रोटी देते हैं, तो उनके ऊपर अगर कोई अकाल बाधा आने वाली होती है या रास्ते में उन पर कोई मुसीबत आने वाली होती है जिस वजह से वह घर नहीं पहुँच पाए, तो घर पे एक जानवर है जो इंतज़ार कर रहा है उनका। इंसान की भगवान सुने या ना सुने, जीवों की ज़रूर सुनते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि जो होना है वो तो होता ही है, पर अनहोनी कभी ऐसे लोगों के साथ नहीं घटती है। तो आप मेरी बात का यकीन कीजिए। आप कहीं पे भी देख लीजिए, कोई भी वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि माँ बनने के लिए यदि आप माँ बनना चाहती है तो उसमें आपको कहा जाएगा कि आप जीवों की सेवा करें, कुत्ते को रोटी दें, गाय को चारा और पानी की व्यवस्था करें, गर्मियाँ आ रही है, चिड़ियाओं के लिए चुगे की व्यवस्था करें, अपने घर के मुंडेर पर पानी भर के रख दें ताकि कोई भी जीव प्यास से ना मरे, हो सके तो अपने घर के बाहर एक टंकी रख दें जिसमें गायें आके पानी पी सके। ये बहुत बड़ा धर्म होता है किसी को पानी पिलाना, ये बहुत बड़ा धर्म होता है, और वो भी उनको पानी पिलाना जो आपसे पानी मांग नहीं सकते। ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है आपको, आपकी कोई भी बाधा आ रही हो संतान प्राप्ति में। मैंने कईयों को सुना है कि कुछ महीने बाद बेबी टर्मिनेट हो जाता है या फिर वो माँ बन नहीं पा रही है, तो इन समस्याओं का समाधान सिर्फ यही होता है कि आप जीवों की सेवा करें।
क्योंकि आज नहीं तो कल भगवान आपकी ज़रूर ज़रूर सुनेंगे यदि आप जानवरों से प्यार करती है तो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ आप वो ज़रूर करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखें। धन्यवाद। और हाँ, आप सब में से जो जो गर्भवती महिलाएं ये सब करती है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, क्योंकि मैं तो ऐसा ज़रूर करती हूँ। और मैं बता रही हूँ कि मैं सभी जीवों से बहुत प्यार करती हूँ, तो ऊपर वाले ने भी मुझे कभी निराश नहीं किया है। आप देखेंगे कि मेरा यूट्यूब चैनल एक महीने में इतना ग्रो हो गया और मोनेटाइजेशन भी हो गया। मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन हो चुका है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही भगवान गणेश का बहुत धन्यवाद। ये सब उनकी ही मेहरबानी है। थैंक यू सो मच।